बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सदीक जान के साथ हमने गुफ्तगू करनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना एहतजाज, डी चो का एहतजाज जो था वो वापस ले ली है कॉल, और क्या इसकी वजह कोई पसे पर्दा रबते हैं? अगर ये पसे पर्दा रबते हैं तो क्या कोई ब्रेक थ्रू होने का इम्कान है? आखिर चल क्या रहा है? देखें, बात यह है कि मेरे पास कोई ना तो ये इन्फॉर्मेशन है कि पसे पर्दा को रबते हुए हैं, ना ये इन्फॉर्मेशन है कि पसे पर्दा रबते नहीं हुए। एनालिसिस है और एनालिसिस मेरा यह है कि तहरीक इंसाफ के इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई पसे पर्दा रबते नहीं हुए। और ये मैं जब ये कह रहा हूँ कि कोई पसे पर्दा रबते इस्टेब्लिशमेंट से नहीं हुए, तो इसका यह मतलब नहीं है कि मुस्तकबिल करीब में आने वाले दिनों में ये रबते भी नहीं होंगे। उस पर मैं आता हूँ, होंगे। अभी मैं क्यों समझता हूँ कि नहीं हुए, इसलिए नहीं हुए कि अगर कोई पस पर्दा को रबता हुआ एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो एस्टेब्लिशमेंट मिलवा देती इतवार वाले दिन इमरान खान को उसके डॉक्टर के साथ, या इमरान खान को उसकी बहन से मिलवा दिया जाता। क्यों नहीं मिलवाया गया? फिर तहरीक इंसाफ के ऊपर जो सख्तियाँ हैं, जितनी FIRs हुई हैं, जो पकड़ धकड़ है, जो सूरत हाल है, जो लोग जबरी तौर पर गुमशुदा हो रहे हैं दोबारा, फिर इसके अलावा जो ये बात है कि इंतजार सुन पुजोता जो है वो 6-7 दिन हो गए हैं, वो जबरी तौर पे गुमशुदा हैं। आगा शेख सरवर जो है वो जबरी तौर पे गुमशुदा हैं। ये सारी सूरत हाल है, ये सारी सूरत हाल क्यों हैं? फिर क्या मैं तो अपने दोस्तों से बहुत इख्तलाफ करता हूँ, हमारे माजरत के साथ हमारे जो दोस्त मुसलसल ये नैरेटिव बना रहे हैं कि काजी इज़ नो मोर, काजी गया, काजी की गेम ख़त्म, मैं इससे बिल्कुल इतफाक़ नहीं करता। मैं बार बार बता रहा हूँ कि मुसलसल चीज़ें हो रही हैं, मुसलसल चीज़ें हो रही हैं। और इमरान खान की पीठ में पहले तो अली बिन गंडापुर ने छुरा घोंपा था ना, अब उससे भी बड़ा छुरा जो है ना वो एक और शख्स घोंपने जा रहा है, जो इसके जिम्मे PTI के सेनेटर्स थे, उनको सिक्योर करना था, उनको मैनेज करना था। वही शख्स जो है वो अपनी नेगलिजेंस की वजह से, या मुकमुका की वजह से, या कंप्रोमाइज होने की वजह से, जो भी आप उसको कहें, वो बंदे पूरे करवा रहा है। क्यों? जिसके जिम्मे PTI के सेनेटर्स थे, वही इतनी नेगलिजेंस दिखा रहा है। और वो नेगलिजेंस ऐसे होती नहीं है, ऐसे हो नहीं सकता कि वो ऐसे नेगलिजेंस हो, वो गेम कुछ और है। लेकिन एक चीज़ तो है और वो तय है, वो ये है कि इमरान खान से बात तो होगी और करनी पड़ेगी, उसके बगैर चीज़ें नहीं चल सकती। अब मुझे बताएं ना, SCO कॉन्फ्रेंस थी, पूरे मुल्क की नज़रें SCO कॉन्फ्रेंस में नहीं थी, पूरे मुल्क की नज़रें कहाँ थी? इमरान खान की उस लीडरशिप पर थी जो, जिसका सबको पता है वो कंप्रोमाइज्ड हैं, कमज़ोर हैं। वो कंप्रोमाइज्ड और कमज़ोर हैं, सिर्फ उनके साथ नाम इमरान खान का है और पूरे पाकिस्तान की नज़रें उनकी तरफ थी। SCO होगी तो इनकी वजह से होगी, SCO होनी है तो ये करवाएंगे, SCO होनी है तो इनको कॉल वापस लेनी पड़ेगी, इनकी कॉल रही तो SCO नहीं होगी, इन्होंने कॉल दे दी तो चाइनीज प्राइम मिनिस्टर नहीं आ सकेगा, इन्होंने कॉल दे दी तो ये नहीं होगा, इन्होंने कॉल दे दी तो। सब नजरें जो है वो तहरीक इंसाफ की उस लीडरशिप पर थी जो कंप्रोमाइज्ड है, जो कमजोर है, जो अभी वो उस जुरत के साथ नहीं लड़ी जो जुरत इमरान खान में, जो बहादुरी और दलेरी इमरान खान में, उसमें उस साथ नहीं है। फिर आपको इस SCO को करवाने के लिए क्या नहीं करना पड़ा? आपको इमरान खान से मुलाकातें बंद करवानी पड़ी, आपको इमरान खान की बहनों को जेल में डालना पड़ा, आपको इमरान खान की बीवी की दरख्वास्त जमानत को आगे ले जाना पड़ा, आपको ये सब कुछ करना पड़ा, तो तब जाके आप एक SCO करवा रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, जिस SCO को करवाने के लिए आप मोहताज हैं तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के, आप मोहताज हैं इमरान खान के, आप इमरान खान के को, यानी इमरान खान के ये सारा कुछ किए बगैर आपके पास इतनी अखलाकी जरूरत नहीं थी कि आप ये SCO करवा सकते, तो ये इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी इस मुल्क के अंदर? देखें, एक बात सबको समझनी होगी कि ये जाली हुकूमत है जिसकी ना कोई आईनी हैसियत है, ना कोई कानूनी है, ना कोई अखलाकी है, कोई इनकी हैसियत नहीं है। और इनको अब खौफ भी है, वो भी आपके सामने, वो खौफ इनको ये है कि अगर ये आईनी तरमीम नहीं होती तो फिर मुझे बताएं ना, फिर क्या इनके पास ऑप्शन है सिवाय इसके कि इमरान खान से बात करें और इमरान खान के साथ बैठें और चीज़ों को बेहतर करें? कोई और ऑप्शन नहीं है। अभी तो देखें ना, 25 तारीख तो अगर आईनी तरमीम नहीं होती तो काजी फायज ईसा का सहारा है, ये हुकूमत काजी फायज ईसा ने इस हुकूमत को बनाया, चलाया, बचाया, सब कुछ किया। लेकिन ये तो शहबाज शरीफ जो है वो हकीकी सियासी यतीमी की तरफ जा रहे हैं, शरीफ खानदान हकीकी सियासी यतीमी की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर काजी का सर का काजी का साया सर पर सलामत ना रहा तो ये तो बरकत सारा कुछ जो है वो उजड़ जाएगा इनका। काजी तो वो तस्वीर में वो जो इमाम दाना होता है ना, वो है जिसने इन चोरों डाकुओं लुटेरों को, वैसे मैं माजरत खाऊं, यानी तस्वीर के साथ इन चोरों डाकू लुटेरों की को तस्वीर देनी नहीं चाहिए, मैं माजरत खाऊं कि ये कहाँ, ये चोर डाकू और लुटेरे कहाँ पे एक मुकद्दस चीज़ जिसके ऊपर आप अल्लाह का नाम लेते हैं, जिसके ऊपर आप दुरूशरी पढ़ते हैं, कहाँ वो एक मुकद्दस चीज़ और कहाँ ये गंद बला कचरा गलाजत खबासत, ये चोर डाकू और लुटेरे, कोई इनका कंपेरिजन नहीं है। तो लिहाजा इस पर तो मैं माजरत करता हूँ, मुझे ये मिसाल देनी नहीं चाहिए थी। लेकिन दोबारा आते हैं, यानी इसको इनको जोड़ा हुआ जिस शख्स ने है, जिस निज़ाम को जिस शख्स ने बरकरार रखा हुआ है, वो काजी फायज ईसा है। अगर काजी फायज ईसा ही ना रहा
तो फिर क्या होगा, सारी गेम जो है ना वो है आईनी तरमीम के ऊपर। और आईनी तरमीम के ऊपर मैं आपको बता दूं, आईनी तरमीम के ऊपर हुकूमत और ये निज़ाम कामयाबी की तरफ जा रहा है, बार बार कह रहा हूँ कामयाबी की तरफ जा रहा है। क्यों? तहरीक इंसाफ के दो सेनेटर सरेंडर कर चुके हैं, तहरीक इंसाफ के दो सेनेटर्स वोट देने जा रहे हैं, लिहाजा हुकूमत इस वक्त तक आप नहीं कह सकते कि हाथ से गेम निकल गई है, आप नहीं कह सकते कि काजी का चैप्टर क्लोज हो गया है, अभी तक ये चीज़ें हैं। लेकिन दोनों सूरतों में पहले हम ये बात कर लेते हैं कि अगर ये आईनी तरमीम नहीं होती फिर तो वैसे ही चैप्टर क्लोज है ना, वो तो आप सुन चुके हैं ख्वाजा आसिफ को। ख्वाजा आसिफ मुसलसल ये कह रहे हैं कि 25 के बाद जो है वो ऑडिट होगा, और आसमे चराज साहब कहती हैं अगर ये खदशा है, ये खतरा है, खुदा ना खास्ता मतलब अगर ऑडिट हो गया, भाई खतरा किस बात का है, खदशा किस बात का है? अगर आप जीते हैं, अगर आप सही तरह से जीते हैं फिर आपको खतरा और खदशा किस बात का है, लेकिन आपको भी पता है कि आप कैसे जीते हैं, इसलिए आपको खतरा और खदशा है। वरना इलेक्शन ऑडिट तो होना चाहिए, होता है हर इलेक्शन के बाद, जो जिनका जिनकी शिकायत होती हैं, तहफ़ुज़ात होते हैं, वो देखे जाते हैं, परखे जाते हैं। तो ये कोई नई चीज़ तो पाकिस्तान में नहीं होने जा रही, लेकिन नई चीज़ ये होने जा रही है पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में इतनी धांधली नंगी गंदी नहीं हुई जो इस बार हुई है। पाकिस्तान की तारीख में किसी ऐसी जमात को हुक्मरानी नहीं दी गई जिस जो 17 सीटर पार्टी को, टोटल इनकी 37 सीटें बनती है पीपल्स पार्टी नूली की मिला के, और इनको काजी फाइज से 215 सीटों तक ले गया। इतनी नंगी और गंदी धांधली, इस हद तक चीज़ें मतलब ना नाकाबिले यकीन, नाकाबिले एतबार, कोई तसव्वुर दुनिया में आप किसी से जाके पूछें, मतलब गए से गए गुजरे मुल्क में जहाँ पे एक जंगल का कानून है वहाँ से भी उनसे भी पूछें, जंगल के कानून में भी ये मुमकिन नहीं है कि 37 सीटों वालों को 237 सीटों तक पहुँचा दिया, 215 तक पहुँचा दिया जाए, और पहुँचाया है तो इनको 217 नहीं 242 पे पहुँचा दिया था काजी फाइजीसा ने। ये तो वो 8 जजेस का फैसला है जिन्होंने अपने हलफ के मुताबिक फैसला दिया, और फिर इनकी सीटें जो हैं वो पीटीआई को और सुन्नी तहत कौंसिल को दे देंगे। देखें अगर आईनी तरमीम नहीं होती चैप्टर इनका क्लोज है, हो भी जाती है तो फिर ये नहीं है कि अभी इनके हाथ में चीज़ें रहेंगी, बड़े प्रोटेस्ट होंगे, वकला निकलेंगे, या भाई बड़ी बड़ी क्लॉस होगा, बड़ी अनारकी होगी, बहुत हालात ख़राब होंगे, काजी का रास्ता रोका जाएगा। जैसे एतजाज हसन साहब कह रहे हैं कि वकला को काजी को बाहर रोकना पड़ेगा कि नहीं जाने देंगे तुझे हम अंदर। और ये 8 जजेस जो ये क्या कर रहे हैं, 8 जजेस भाई थोड़े से एक्टिव हों, मतलब आप एतजाज हसन साहब ने जो बात की उससे पहले किसी ने नहीं की कि ये सुप्रीम कोर्ट वफाकी आईनी अदालत डिक्लेयर हो जाएगी इसकी इमारत, और इन जजेस को कहीं और बिठाया जाएगा, क्या फिर इसको धक्के दे के आप निकालेंगे अगर ये नहीं निकलेगा तो 8 जजेस को भी एक्टिव होना होगा। और जहां तक बात है आईनी तरमीम नहीं होती तो इनका चैप्टर क्लोज है, हो जाती है तो भी इनके लिए मुश्किल होगा, फिर जो चीज़ एक साल बाद होनी है शायद अभी शुरू हो जाए। यानी जिस इमरान खान के बगैर, जिस इमरान खान को मतलब उसके ऊपर, उसकी वजह से आपने पूरे अडियाला को बंद कर दिया, आपने आमिर फारूक साहब को कहना पड़ा, आपको इतना कुछ करना पड़ा, और तब जाके आप जो है वो एक एससीओ करवाने जा रहे हैं, तो जिस एससीओ को करवाने के लिए सब कुछ करना पड़ा है वो एससीओ वाले कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे? मुझे बताएं कि क्या ये आप ठीक है आप, अच्छा मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये ऐसे डफर हैं, ये ऐसे नूली वाले जाहिल हैं कि अभी तक ये 90s में जिंदा हैं, इनको लगता है कि जैसे 90s में अखबारात को मैनेज करके साफियों को खरीद के और ये सब अच्छा की रिपोर्ट देते थे, अभी वही सूरत हाल है। अब कर क्या रहे हैं, एसईओ शुरू नहीं हुई, बड़े बड़े इश्तेहारात टीवी चैनल्स पे भी, अखबारात पे करोड़ों रुपए के इश्तेहारात, भाई इन्वेस्टमेंट एक रुपए की नहीं आई, और आप करवा क्या रहे हैं, आप सऊदी अरब वालों को कह रहे हैं ये हमारे हाथ जुड़े हुए हैं और तुमने $100 इन्वेस्ट नहीं करना, ना करो, एक अलबेग की ब्रांच खोल दो यहाँ पे ताकि हम दिखा सकें कि अलबेग खुल गया पाकिस्तान में। अगर ये इनकी हालत है और ये इनका लेवल है तो फिर बात खत्म हो गई ना, बात फिर बात इनकी खत्म हो गई। आईनी तरमीम हो या ना हो चीजें इनके लिए मुश्किल हैं, इमरान खान से बात करनी पड़ेगी, क्यों? मैंडेट इमरान खान के पास है, 2/3 अक्सरियत लोगों ने उसको दी है, लोग उस पर एतमाद करते हैं। ब्रेन ड्रेन हो रहा है आपके मुल्क में, आपके लाखों लोग मुल्क छोड़ गए हैं, करोड़ों लोग मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं, हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है, हर पाकिस्तानी मायूस है, हर पाकिस्तानी को मुस्तकबिल तारीख नजर आता है मुल्क का, क्यों? क्यों? जो जिसको उन्होंने वोट दिया था, जिस पर उन्होंने इत्माद किया था, उसको आपने जेल में डाला हुआ है, और जिनको उन्होंने मुस्तरद किया हुआ है उनको आपने मुस्तरद किया हुआ है। और फिर देखें ना नवाज शरीफ, अब आप रजीम चेंज के मकासद में से एक और मकसद हासिल करने जा रहे हैं कि नवाज शरीफ के जरिए अब आप भारत के सामने, आपने मतलब भारतीय वजीर खारजा आ रहा है, उससे पहले आपने नवाज शरीफ को लिटा दिया, बरकत दत्त से मुलाकात की करवा के नवाज शरीफ की, और नवाज शरीफ ने जो भीख मांगी है मोदी से और जो उसने उनके वजीर खारजा से भीख मांगी है, इसने तो मुल्क का मतलब मुल्क का सर शर्म से झुका दिया शख्स ने,
मतलब वो बात है करने वाली कि तुम कह रहे हो कि जनाब हम कश्मीर के ऊपर कोई हमारी शरायत नहीं है, कोई हमारा, बस अल्लाह का वास्ते हमसे बात कर लो, ये कोई तरीका है? ऐसे आप चीज़ें करते होते हैं जिस तरह से आप चीज़ें करने जा रहे हैं, तो ये तो शर्मिंदगी है मुल्क के लिए। ये तो इन्होंने तो असदुल्लाह खान साहब का वो व्लॉग सुने जो उन्होंने अभी बाकू गए हुए थे किया कि अब पाकिस्तानी के साथ क्या हो रहा है, जिस आप एयरपोर्ट पर जाते हैं आपके पास ब्लू पासपोर्ट हो तो क्या आपकी जो है वो इज्जत है और आपका मकाम और मर्तबा है, और किस तरह से आपको शाकी निगाह से देखा जा रहा है। दुनिया डर गई है कि पाकिस्तान में से हर शख्स भागना चाह रहा है, इनको रोको, इनके लिए मुश्किल करो ट्रैवलिंग, ये हो रहा है आपके मुल्क के साथ। तो लिहाजा और असल चीज़ों के ऊपर तवज्जो नहीं है। ओ भाई रिपोर्ट आई है कि आपका मुल्क कहत साली और खुशसाली की तरफ जा रहा है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर कोई तवज्जो नहीं है। वो इमरान खान आज से 10 साल पहले, उसको अल्लाह ताला ने ये विजन दे रखा है कि उसने 10 साल पहले जो है वो करोड़ों लाख लगानी शुरू किए, और आप क्या कर रहे हैं? आप जो है वो कोई आपका क्लाइमेट चेंज के ऊपर वो नहीं है। हस्पताल आपके देखें क्या हालात हैं, हेल्थ कार्ड आपने बंद कर दिया, डेंगी से हस्पतालों का बुरा हाल है, डेंगी के मरीजों से वहां पर सिंध में खनाक जो है वो तेज से फैल रहा है, बच्चे जो है उसकी वजह से उनकी जानें जा रही हैं, पोलियो आप देखिए कितना ज्यादा आपके मुल्क के अंदर बढ़ गया है। आपके मुल्क के अंदर कोई जिस 2.5 करोड़ से ज्यादा 2,63,00,000 बच्चे स्कूल से बाहर हैं, कोई आपकी तवज्जो नहीं है। सरकारी स्कूलों को आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं, अभी आप देख लें वहां पे आपने पंजाब कॉलेज की बच्चियों और बच्चों के साथ आपने क्या किया, क्रिकेट आप किया है आपकी वो तबाह हो गई है, आपका किसान है वो बर्बाद हो गया है, आपका रियल एस्टेट रुक गया है, आपकी कंस्ट्रक्शन रुक गई है, आपकी इन्वेस्टमेंट रुक गई है, आपकी मतलब रेमिटेंसेज उस तरह से नहीं आ रहे जितने लोग पाकिस्तान से बाहर गए। एतमाद बैठे लोगों को अपने मुल्क के ऊपर एतमाद नहीं है, हुक्मरानों को कि वो इन्वेस्टमेंट मुल्क से बाहर कर रहे हैं, अभी तक जायदादें बाहर वो कर रहे हैं, आपने इंपोर्ट रोकी हुई है, इंडस्ट्री सारी बंद हो गई है, रॉ मटेरियल आ नहीं रहा, तो किस तरह से आप चीजें मतलब कर रहे हैं? तो लिहाजा मैं ये समझता हूं अभी तो पसे पर्दा कोई इमरान खान से बातचीत नहीं हुई, क्यों? अगर इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाती नौरीन खान की तो इमरान खान कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर पूरे मुल्क से सब पहुंचो डी चौक, तो लिहाजा हुई नहीं है बातचीत, लेकिन बातचीत करनी पड़ेगी। सदीक जान साहब, ये जो तासुर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो फैसला वापस लिया है एहतजाज का, इस्लामाबाद में एहतजाज का, इसके बदले में कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत को इमरान खान साहब के हवाले से कोई ना कोई सेटलमेंट, कोई ना कोई डील हुई होगी, आप ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि पीटीआई को सिर्फ फेस सेविंग चाहिए थी और वो लेके घर बैठ गए? देखिए वो शेख रशीद साहब कहा करते थे कि मुनव्वर ज़रीफ़ की एक फिल्म का वो हवाला देते थे कि उस फिल्म में वो कहता था कि मैनू आँखें लगने का शौक है। तहरीक इंसाफ ने सिर्फ फेस सेविंग ली है, ग्राउंड रियलिटी ये थी कि वो नहीं आ सकते थे एहतजाज के लिए, परिंदा पर नहीं मार सकते इस्लामाबाद में, और टोलियों में वो आते सबको मार पड़ती, गिरफ्तार होते, बहुत बुरा सलूक होना था उनके साथ, पीटीआई के वर्कर्स के साथ, और अली बिन गंडर ने बोलने तो इनकार कर दिया था कि मैंने लीड करना ही नहीं है, ना बतौर सीएम में जाऊँगा, तो फिर बात खत्म हो गई ना, फिर आप एहतजाज ना एहतजाज करने से ना करना बेहतर था, और ये दुरुस्त फैसला है, उनके फैसले को मैं सपोर्ट करता हूं, दुरुस्त फैसला है, लेकिन इसके पीछे कोई गारंटी नहीं है, कोई यकीन दहानी नहीं है, कोई बड़ी डील नहीं है, लेकिन आगे आपको इमरान खान से बात करनी पड़ेगी। इमरान खान से बात के बगैर आप ये मुल्क नहीं चला सकते, जितनी देर आपने डंग टपाओ पॉलिसी रखनी है रख लें, लेकिन 25 करोड़ का मुल्क ऐसे नहीं चल सकता, ऐसे तो किराने की दुकान नहीं चल सकती जैसे आप मुल्क चला रहे हैं, मुल्क नहीं चल सकता। इमरान खान से बात करनी पड़ेगी, इमरान खान को लोगों ने मैंडेट दिया है, इमरान खान को लोगों ने वोट दिया है, इमरान खान के बगैर ये मुल्क आप नहीं चला सकते, नहीं चला सकते, नहीं चला सकते। सदीक जान साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।